ਏ ਗਾਇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਾਈਨਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਏ ਆ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਿਚੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਆ घर पहुंच गए हम घर पहुंच गए घर आ गया भैया जी स्माइल उठ गया शलारू ओहो मेन गेस्ट अंदर चाचू कैसे करता पोपी शेम होगी तेरी तो मुंह से कैसे आवाज निकालता चाचू कैसे करता किसी करो चाचू को अब मिलेंगे मम्मी से मातश्री कहाँ हो आप मातश्री जोर पा रही हेलो हंसते हो तुम तो गए बेटा आपे की आ जाऊगा लैन जाने छे आने वाले लैन भी नहीं आए पैरेट क्या बोलता है कहती थी मेट्रो पे पहुंच जाना मेट्रो ये आ जाना पैरेट क्या बोलता है कैसे बोलता पैरेट पैरेट कैसे बोलता है मिट्टू कैसे मुट्टू आवाज तो कर ले ऊंची कैसे बोलता अच्छा चिड़िया क्या खाती बता दे ये भी बाजा बाजा खाते बाजरा अच्छा चाचू कैसे करता बाजा बाजा नहीं चाचू कैसे करता चलो बाय चाचू जा रहा बाय 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 जा रहा हाँ जाना नहीं है क्या ये बाबू हाँ कौन लाया खोल के तू नहीं देना हमने कौन लेके आया बाबू कौन लाया भूवी भूवी लेके आया देखो देखो कौन आया है तालिबान आया है सड़ दे सब सड़ दे नहीं नहीं तुम कर लो अबे जल्दी कर सुबह पलवेल निकलना है चलिए कटिंग करा प्लानिंग कुछ ऐसी हुई है कि हम लोग निकल चुके हैं मेरे को कटिंग करानी है उससे पहले एक जगह और जाना है तो ये महारानी भी साथ में है इनसे भी मिल लो ये है बेटा और ये है बेटी ठीक है जी तो अपन जा रहे हैं
ਆਪਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 12:30 ਵਜੇ ਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 11:30, ਸੋ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਐਡਾ ਰਸ਼, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ, ਉਹ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਥੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸਾਲਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। 1.25 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਧਰ। ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਗਾਇਸ, ਚੱਲੇ ਹੁਣ। ਖਾਣਾ ਕੁਛ? ਬਾਏ ਬਾਏ। ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੰਬੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੰਬਾ ਖਾਣਾ। ਅਬ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਘਰ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਔਰ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਅਭੀ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਤੋ ਅਬ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਲਗਾਂ, ਦੇਖਣੇ ਲਗਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਥੇ ऑनलाइन वहाँ पे बैठे बैठे, एक तो मैं वहीं से लेके आया हूँ, तो ये दो मैंने यहीं पे मंगवाए थे। और मेरे को बहुत गालियाँ पड़ी हैं क्योंकि वहाँ बैठा भी जूते मंगवा रहा है। जूते लाइफ है यार, पढ़ने नहीं खरीदने। सबसे पहले तो ये थे जो ये मैंने एयरमैक्स 90 मंगाए थे, ऑथेंटिक ब्लैक एंड ग्रे, ये कलर। ओके, ये शूज़ मंगाया था मैंने, मेरे को कब से ये कलर ख़रीदना था। मैंने नाइकी की वेबसाइट पे मैंने वो भी किया था, इसको कस्टमाइज़ भी किया था, पर मैंने ये शॉप में जब आ गया तब मैंने ये मंगा लिया। जो दूसरा पीस है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है, ये नाइकी डंक हाई रेट्रो है। ये इन्होंने स्पेशल एडिशन निकाला था नाइकी वालों ने, ये स्पेशल एडिशन है। इस पर यहाँ पर कैमोफ्लेज का दिया हुआ है इन्होंने साइट पर, सारी जैसे देख रहे हो। तो ये मैंने अभी लेटेस्ट तो यही है मेरे, वो मैंने 2 महीने पहले निकाल मंगवाए थे, ये मेरे हफ्ते पहले आए हैं, तो इसके लिए भी मेरे को गालियाँ पड़ी ही हैं। और कि बाकी ये मेरी शूज़ कलेक्शन ये है, ठीक है, इनमें अभी आधे दिख रहे हैं, बाकी की 2 लाइनें उस साइड है सभी शूज़ की। थत्तियाँ बड़ी हुई हैं, मेरा घर वाले कहते थे जूते खरीदने घट है तो खाने ज़्यादा। अब इसमें मेरे सारे शूज़ हैं, इनमें कुछ पेयर्स हैं जो मैंने अभी डाले नहीं हैं, डालूंगा जब टाइम मिलेगा उनको डालने का, अभी कुछ डाले नहीं हैं। अभी फ़िलहाल तो यही 2 मेरे कलेक्शन में ऐड हुए हैं, 3। और फिर अब कल जाके सभी कज़न्स को मिलना है, दोस्तों को मिलना है,
कल वैसे में हमारा कजन डे आउट है, तो कल हम सब बाहर जाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे अपनी, आराम से बैठ के खाएंगे पिएंगे, बातें बूतें करेंगे, जो भी हुआ ये दो तीन महीनों में सारा जुगलियाँ वुगलियाँ हम सब कर देंगे। चिड़िया क्या खाती है? बाजरा। और मिट्टू कैसे करता है? पिजन क्या खाता है? बाजरा। वो भी क्या खाएगा? बाजरा। मिट्टू कैसे करता है? मिट्टू वो भी बड़ा होकर क्या बनेगा? बाबूली। बाबूली पे कैसे खाती है? भांजी गुस्से कैसे करते हैं? भांजी कैसे गुस्सा करते हैं? भालू कौन है? बाबूली।